जो है ना एमएससीबी के कर्मचारी जो है वो भी धरना किए थे, सारे लोगों को निकाल दिया बाबा जी ने, निकाल दिए हम लोगों को भी निकाल दिए, आत्महत्या कर लेंगे और क्या है। पूरे कर्मचारियों को नियुक्त करने के बाद सारे लोगों ने काम किया, नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हैं लखनऊ के बुद्ध विहार शांति उपवन के प्रशासनिक भवन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्मारक समिति के कर्मचारी हैं वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, और यहां पर आज की तारीख में लगातार कई दिनों से इनकी जो मांगे हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, और अब अपनी मांगों को लेकर वो इस प्रशासनिक भवन पर पहुंचे हैं। इन लोगों की क्या मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, ये तमाम लोग जो है वो स्मारक समिति के कर्मचारी हैं, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, चाहे रमाबाई अम्बेडकर मैदान हो, चाहे शांति उपवन हो, चाहे इको गार्डन हो, चाहे मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल हो, तमाम जगह पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो तमाम कर्मचारी जो है वो लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को, अपनी समस्या को लेकर जो है वो इस प्रदेश की सरकार से गुहार लगा रहे थे। अब उनकी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही हैं, इनकी गुहार सुनी नहीं जा रही है। अब इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, जिन परेशानियों को जो है इस यूपी की सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है उनका, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि समस्त स्मारक समिति कर्मचारी लखनऊ, और यहाँ लिखा है कि हमारी मांगे पूरी। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे मृतक आश्रित, वेतन विसंगति, सीपीएफ जो खाता खोला नहीं गया है अभी तक, उसका पैसा कहाँ है ये हम लोग जानना चाहते हैं। 10-12 लाख रुपए सीपीएफ खाते का है। एलआईसी वो खोला गया था जब हम लोगों ने नए नौकरी पाए थे, उसके बाद एलआईसी बंद कर दी गई, वो भी अभी भरवाया गया, अब हम उसका भी कहीं अता पता नहीं। पुनर्विच्छेद वेतनमान है। कुछ मांगे जो हैं हम लोगों की, ये सरकार की ओर से तो हम लोगों को पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। माननीय हमारे योगी नाथ बाबा जी ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया है हम लोगों को, स्मारक समिति के कर्मचारियों को, मगर कुछ वित्त विभाग के कुछ लोग जो हैं जो कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, जो कि खुलेआम कर रहे हैं। अब 12 साल से ये कर्मचारी शोषण झेलता झेलता थक गया, अब वो आत्महत्या करने की कगार में खड़ा है। ये बाबा जी के नाक के नीचे अगर कोई वित्त विभाग का कर्मचारी आपके साथ शोषण करते तो बाबा जी सोए हुए? बाबा जी तो, बाबा जी के मेरी समझ से संज्ञान में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीसी साहब को लेटर भेजा था 23 जुलाई 2000, ऐसा ही कुछ लेटर आया है, मैं दिखाऊंगा अभी। उसमें भी लेटर में साफ साफ अनुसचिव साहब ने उसमें कहा है कि कर्मचारियों को सारा वेतनमान दिया जाए, इनकी जो भी मांगे हैं पूरी करी जाए। क्यों नहीं वित्त विभाग दे रहा है, ये आप लोग उनसे पूछने की कोशिश करें। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, और इस विधानसभा सत्र में भी आपकी जो मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे फिर आप? हमारा ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, ये बंद नहीं होगा, आर या पार। इसके पहले जो है ना एमएससीबी के कर्मचारी जो है वो भी धरना किए थे, सारे लोगों को निकाल दिया बाबा जी ने, निकाल दिए हम लोगों को भी निकाल दिए, आत्महत्या कर लेंगे और क्या है, कहाँ तक भूखे मरेंगे। ये सारे भाई हमारे जो बैठे हैं ये सब भूखे मर रहे हैं। अब हम लोग, कोई पूर्वांचल का है, कोई गोरखपुर का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, अब यहाँ लखनऊ जैसी सिटी के अंदर इस महंगाई में 24-25 हज़ार में क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, क्या हम खा पाएंगे? आधी रोटी का सहारा नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम कैसे बेटी बचाएं कैसे बेटी पढ़ाएं, इस जरा सी तनख्वाह में हम क्या खाएं और क्या पिए और क्या शिक्षा दें लोगों को, बताइए आप। कब हुई थी आपकी नियुक्ति? 2011 में। सारे के सारे जो लोग हैं वो 2011 की नियुक्ति है? जी जी। बसपा की सरकार थी उस समय? उस समय बहन जी की सरकार थी, उस समय हम लोगों को नियुक्त किया गया था। पूरे कर्मचारियों को नियुक्त करने के बाद सारे लोगों ने काम किया, जो भी शासन आदेश रहा उसी आधार पे हम लोग चलते रहे। फिर उसके बाद सपा सरकार आई, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, मगर बाबा जी का धन्यवाद देते हैं हम कि उन्होंने हमें समय समय पे बजट दिया है,
हमारे स्मारक की देखरेख के लिए भी दिया है, कर्मचारियों के लिए भी दिया है, मगर कुछ अधिकारी जो आला अधिकारी हैं जो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा आपके आपसे मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि इस बात को आगे बढ़ाएं कि बाबा योगी माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे, हमारी सुनवाई हो, हमारे कर्मचारियों का उद्धार हो। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे आप, क्या दिक्कत है आपको बताइए। मैम पहले नंबर तो ये है कि अभी तक तो डीए इंक्रीमेंट सारे लगे थे, जो भी मांगे हैं सारी सबकी हैं, इस बार 1400 ग्रेड पे का इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया है। तो वादा किया था 1400 नहीं, जैसे हर साल लग रहा था तो इस बार भी लगना चाहिए था ना। जब निश्चित वेतनमान नहीं बढ़ाया जाएगा तो इंक्रीमेंट इसी आधार पे नहीं लग रहा है इस बार, और आगे आने वाले समय में जैसे इस साल 23 में नहीं लगेगा तो 24 में 1300 का भी नहीं लगेगा। आपको रहने के लिए मकान दिया कर्मचारियों को? ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल सर्विस कुछ स्वास्थ्य के लिए? ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको रहने के लिए मकान नहीं दिया? रेंट पे रहते हैं जी, बस्ती जिले से। जी अभी आपका कितना पेमेंट है? 25,000। उसके बाद आपका जो है मृत्यु के बाद कुछ नहीं मिलना है घर परिवार के लोगों को? नहीं ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। LIC हुई थी जो इंश्योरेंस अपने लोग करवाए हैं, उसके बाद LIC जो हुई थी उसी का पैसा जो मिलता है मिलता है, मृतक आशीष तो ऐसा कुछ नहीं है। अनुकंपा वाली जो सिस्टम वो नहीं होगा, आपका नौकरी खत्म हो गया उसके बाद कुछ पास हो गया लेकिन यहाँ के कुछ नहीं मिल रहा। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है। और यहाँ पर जो प्रशासनिक भवन है, यहाँ पर जो लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं, उन लोगों की मांगों को हम समझने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बीना देवी। आप कब से हैं कर्मचारी? 2011 से। सारे लोग मतलब लगभग सभी लोग 2011, उसके बाद नहीं हुई क्या कर्मचारियों की भर्ती? नहीं 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 नहीं, उसके बाद नहीं हुई, 2011 में हम लोग की भर्ती हुई है। तो अभी आपकी क्या परेशानी है? सारे के सारे जो कर्मचारी हैं वो आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस ये परेशानी यही है कि हम लोग की सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं, और जो मिल भी रहा है वो भी कम मिला, उसमें हमारे बच्चों का परवरिश 5,000-6,000 कमरे का किराया, बच्चों की परवरिश हो नहीं पा रही है, उसमें इतनी महंगाई में हम लोग क्या करें। मकान मालिक कमरा खाली करा देते हैं कि मतलब सैलरी से 10% 5% उनको मकान का किराया हर साल में बढ़ता रहता, हर साल वो 5% 10% बढ़ाते ही रहते हैं, और उतनी सैलरी में बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या लिखाएं, क्या खाएं। आपकी हो जाता है बहुत समस्या हो जाता है, महीना पूरा नहीं होता है, तबाही मच जाती है, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं पहली बात, और इन लोग ने शासन के यहाँ कहते हैं फाइल भेजें, कहाँ गया कोई पता नहीं। 10-10 लाख का हम लोग का CPF खाता खुला था, उसमें पैसा हम लोग का पता नहीं चला, LIC का नहीं पता चल रहा है, कहीं कोई पता नहीं चला, हमको कोई मालूम है ही नहीं कि हमारा जो कट रहा है फंड बोनस वगैरह, बोनस मिलता नहीं है, जो हमारा कटता है वो उसको भी नहीं पता है कि कहाँ जा रहा है, हम लोग को कोई प्रूफ मिला ही नहीं। बस हम लोग बनुआ मजदूर बन के ना काम करो तो टॉर्चर किए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं, और ऊपर से नोएडा भेज दिए जाते हैं आधे वेतन में। बोलते हैं तो उनको नोएडा सीधा नोएडा ट्रांसफर किया जाता है। अगर हमारे चल रही है कई लोगों के ना हमको फोन आते हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारी दिक्कत तो है, हमारा नाम ना बताइए। कई कर्मचारी जो है अभी मैडम डर लगता है डर के वजह से क्या किया जाए, जो हमारा पालन पोषण चल रहा वो भी बंद हो जाएगा तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा, आप बताइए। हम चले गए हैं नोएडा, उनको भेजा गया है हमारे अधिकारी, कुछ लोग भेज नोएडा चले गए, वो डर की वजह से अपना नाम नहीं बताना चाह रहे। ऐसा है कि जो आवाज उठाता है उन्हें यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है, तुरंत बर्खास्त किया जाता है। अच्छा, तो अभी आप सभी लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले? आप कहाँ के रहने वाले? मैडम मैं बस्ती के रहने वाली हूँ, और यहाँ बहराइच उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं। हाँ, बहन जी के शासन में आए थे और फिर बहन जी की सरकार चली गई, अखिलेश भैया आ गए, अखिलेश भैया के जाने के बाद बाबा जी आ गए, बाकी गवर्नमेंट यहाँ से मेरा कोई रुकावट नहीं है, गवर्नमेंट हमारी पूरी मतलब बजट देती रहती है, पार्क का देख रेख का और हमारा वेतन का सब गवर्नमेंट देती रहती है, हमारा कहीं कुछ नहीं रुकता है, बस हमारे कुछ उच्च अधिकारी हैं कि हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, हमारे साथ दिक्कतें सारी आ रही हैं, और हमारे डर के वजह से हमारे बहन भाइयों पीछा खींच जाते हैं, जो बोलने के मीडिया के माध्यम से सोचो कि बात करें बताएं तो उनके ऊपर गाज गिरने शुरू हो जाता है,
मेरा निवेदन यही है कि महोदय मुख्यमंत्री जी से, बाबा जी से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को पहुंचाइए और हमारे सारी समस्याओं को दूर करें। हम बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो महिलाएं हैं उनकी समस्या सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि 2011 में इनकी नियुक्ति हुई है। बहुजन समाज पार्टी की तब शासनकाल था, बहन मायावती जी यूपी की मुख्यमंत्री थी, उसके बाद जो है नई नियुक्ति तो हुई नहीं, सारा जो काम है वो इन्हीं से करवाया जा रहा है। उसके बाद जो ग्रेड पे उस समय लागू हुआ था उसी ग्रेड पे के अनुसार इनको अब तक जो है वो सैलरी दी जा रही है, और उसके बाद जो इंक्रीमेंट की अब इनकी एक मांग है कि इंक्रीमेंट किया जाए, चूंकि जैसे ही देखते हैं हम सरकारी कर्मचारियों को तो उनको छठवां वेतन सातवां वेतन लगातार उनके सैलरी में बढ़ोतरी होती है, उनके भत्ते में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन इन कर्मचारियों चूंकि ये तमाम लोग जो है वो स्मारक समिति के कर्मचारी हैं और ये तमाम स्मारक जो है वो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बने थे, तो उन स्मारक को की देखभाल के लिए उनकी उनके रखरखाव के लिए ये तमाम जो कर्मचारी है इनकी नियुक्ति उस समय हुई थी, और तमाम अलग अलग जिले से अलग अलग शहरों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ आकर बसे, चूँकि जब उनको यहाँ नौकरी लगी। अब दिक्कत ये आ रही है कि जब वो कर्मचारी बन जाता है तो उसे सुरक्षित वेतन मिलना चाहिए, सुरक्षित वेतन के साथ साथ सुरक्षित जीवन मिलना चाहिए उसके परिवार को भी, क्योंकि अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद उसकी 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 सिक्योरिटी क्या है कि उसके परिवार के लोगों को उसकी नौकरी मिल जाए, या तो उनका एक और ये है कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके बाद जो है उनके घर परिवार के लोगों को पेंशन मिल जाए, तो ये पेंशन की व्यवस्था जो है वो भी नहीं है। उसके बाद तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तमाम समस्या को लेकर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की और भी कोशिश करेंगे, जानेंगे। फिलहाल जो है ये असंगठित रूप से यहाँ पर आए हैं, ये इनका कोई संगठन ऐसा है नहीं कि किसी भी जैसे कामगार लोगों का यूनियन होता है, ऐसे कुछ है नहीं। और ये यूपी में है, हम बीजेपी की सरकार है, तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करें कि क्या क्या परेशानी आ रही है। तो इस वक्त ये जो तमाम कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों का जो संगठन है उसके हमारे साथ प्रदेश प्रभारी महामंत्री हैं और जी के वर्मा जी शर्मा, इनसे बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे आपके चैनल को कि आप हमारी आवाज़ हैं और सरकार तक हमारी आवाज़ें जाएंगी, ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज 6 दिन से हमारे कर्मचारी उग्र हुए हुए हैं। 6 दिन हो गए इस धरने को? ये धरना नहीं, ये समझ लीजिए कि अपने घर में अपने अधिकारी से अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारे वित्त प्रबंधक महोदय जी ने नियुक्ति तिथि से CPF की कटौती काटना शुरू कर दिया और उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई हिसाब नहीं है। पीछे 2017 में मैंने लिखा था कि महोदय अगर कर्मचारियों के खाता अगर नहीं खोलते आप तो ये गमन की श्रेणी में आता है। भविष्य निधि आयोग ने, कमिश्नर ने एक चिट्ठी जारी किया था, एक अकाउंट नंबर दे दिया स्मारक के नाम से कि आप सारा पैसा इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। इन्होंने उसमें खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया कर्मचारियों का। इसके बाद इनको नोटिस भी जारी हुई, इसके बाद उसका मामला वहाँ का वहाँ रफा दफा कर दिया। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो है पीछे अभी 1 साल पहले ये 10 करोड़ का घोटाला हो जाता है CPF के पैसे से। तो ये डर और भय पहले से हम लोगों को अंदेशा था कि इन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, 10% हमारा काट लिया जाता है, लेकिन सरकार जो 10% हमारा देती है निधि में नियोक्ता अंशदान वो नहीं मिल रहा, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जबकि हमारी नियमावली में यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों का CPF का काटा हुआ पैसा उसको हम खाता खोल के प्रत्येक कर्मचारी को, कर्मचारी नियमावली के भाग 30(5) में प्रत्येक कर्मचारी को इंडेक्स नंबर देने की बात कही गई थी और हर वर्ष के अंत में स्टेटमेंट देने की बात कही गई, लेकिन इस पर इन्होंने 1 पैसे का कोई काम नहीं किया। बड़े मजे की बात तो ये है कि 10 करोड़ घोटाला भी होता है, पैसा वापस भी आ जाता है, अधिकारी सस्पेंड भी हो जाता, बहाल भी हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी आपका कुछ नहीं हो रहा है? कहाँ हुआ, अगर हुआ होता तो आज हमारी ये पब्लिक, हमारी जनता, हमारे कर्मचारी यहाँ क्यों आते? भाई हम तो नौकरी करने वाले हैं, हम कर्मचारी हैं, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आए हुए हैं। हम आंदोलन करने के लिए नहीं आए, हम आंदोलनकारी थोड़ा नहीं है, लेकिन आप बाध्य होकर हमको मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए। और सबसे दूसरा घोटाला का मामला इनके मेरे संज्ञान में आता है कि जो LIC की कटौती होती, नियुक्ति तिथि से इन्होंने काट लिया और अप्रैल 2012 में
नियुक्ति 11 में होती है, 2012 में ये हमारा जो LIC का खाता खोलते हैं, तो उधर पीछे 600-700-800 रुपए जो होता है, 5300 कर्मचारियों का पैसा वो करोड़ों में जाता है, उसका पता नहीं कि इन्होंने किस खाता में रखा उस पैसे को। कुल 5300 कर्मचारी है और उनके सबके LIC के नाम से पैसा कट रहा है, उनकी सैलरी से कट रहा है, और लगभग ये 2011 से कट रहा है, 2011 से कट रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और दूसरी चीज और एक है कि जो हमारी पॉलिसी पुरानी थी उसको इन्होंने बंद कर दिया और नई पॉलिसी लागू कर दिया। भाई जब आप नई पॉलिसी लागू कर दिए तो पुरानी पॉलिसी का पैसा तो रिटर्न कर देना चाहिए, नहीं किया। LDA BC कहते हैं कि 2 दिन के अंदर खाता खोल के मुझे अवगत कराइए, लेकिन हमारा ये भ्रष्टाचार में लिप्त तंत्र का अधिकारी महोदय द्वारा खाता तक नहीं खोला गया, ना तो कर्मचारियों को बताया गया। इसी को लेकर ये हमारे कर्मचारी उग्र हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो इस विभाग की मुखिया हैं, वो मंत्री भी इस विभाग के, सूबे के मालिक, अच्छा, वो मुख्यमंत्री हमारे इस विभाग के मंत्री भी हैं, ये विभाग उन्हीं के पास है। लेकिन मजे की बात ये है कि जहां उनका नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त है, तो उन्हीं के विभाग में इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी कब जगेंगे? जब ये जनता जो यहाँ लोग कर्मचारी भर्ती हुए हैं, इन कर्मचारियों की अर्थी उठती चली जा रही, हर महीने 2-4 मर रहे हैं, हमारे टेंशन से मर रहे हैं। आज 8 तारीख हो गया, अभी तक इन्होंने वेतन नहीं दिया। वेतन कब आता है आपका? वेतन तो इनकी मनमाना घर जाना पहले चलती थी, लेकिन जब इनके ऊपर दबाव बना, वार्ता हुई जयशंकर दुबे जी से, तो उन्होंने कहा कि 1 से 3 तारीख के बीच में तनख्वाह आ जानी चाहिए, तो उन्होंने वेतन देना शुरू कर दिया। लेकिन जब इनकी मर्जी होती है, जाएंगे मार्च का महीना आ गया तब टांग देंगे, इधर फिर टांग दिए। तमाम कर्मचारी हमारे लोन लिए बैठे हुए हैं, सबकी अथवा किस्त कटती है, वो पैसे कहाँ जमा करेंगे? तो इसलिए अपने नैतिक कर्तव्यों को उनको पालन करना चाहिए। तो ये सारे जो कर्मचारी हैं, ये प्रदेश भर में और कहाँ कहाँ है, लखनऊ के अलावा? ये नोएडा में है, सेक्टर 95 में, बादलपुर में है 140 कर्मचारी, जो आज तक वहाँ का पार्क हैंडओवर नहीं कराया गया है समिति को, और वहाँ न तो टिकट की व्यवस्था गिराई गई है, जिससे सरकार के आय की क्षति होती है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इस पास संज्ञान लेते हुए वहाँ टिकट लागू कर दें। अभी जो है यहाँ प्रशासनिक भवन से कोई आया आपकी बात सुनने के लिए? देखिए, प्रशासनिक भवन का मुद्दा नहीं है, ये तो मुद्दा सीधे हमारे प्रशासन और वित्त का है। अच्छा, तो और विधानसभा सत्र चल रहा है, तो संज्ञान में तो आया होगा कि कर्मचारी लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं? अगर विधानसभा सत्र चल रहा है तो हमारी बात कहेगा कौन? जैसे हम अपनी आवाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वैसे कह दिया जाता है कि तुम नेता हो, धमकियां मिलती हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, लोगों को अटैच कर दिया जाता है। हमारे समिति की नियमावली में कोई संशोधन नहीं है। जब सपा सरकार थी, अनुराग यादव DM के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी कि इन कर्मचारियों को दूसरे विभागों में दे दिया जाएगा, लेकिन वह हमारी नियमावली इतनी मजबूत थी, उस नियम का पालन करते हुए इन लोगों ने नहीं कर पाया। और उसमें संशोधन करने की बात बोर्ड बैठक में हुआ, अगर ये संशोधन कर देते तो हमारा मेडिकल, मृतक आश्रित, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, उससे हो जाता, लेकिन उसको भी कर्मचारी नहीं अधिकारी करा पाया, उसको भी उठा के शासन में डाल दिया। जिन कर्मचारियों से बात की, 10 साल के बाद APC का लाभ मिलता है, APC के लिए एक कमेटी गठन कर दिया जो LDA BC के नेतृत्व में है। BC साहब हमारे जो है लखनऊ प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय जी, नियुक्ति प्राधिकारी LDA के भी हैं और हमारे भी हैं, हाँ। लेकिन वहाँ मुझे देखने को मिलता है ये सौतेला व्यवहार, मुझे नहीं समझ में आता है कि BC साहब उनके आदेश को, उनकी बोर्ड बैठक करने के बाद उनका आदेश जारी कर देते हैं, और हमारा जब बोर्ड बैठक होता तो उसको शासन में भेजवा देते हैं। तो जो चीज़ ये हमारे लोग यूनियन के तरफ से हम लोगों को यही बताया जाता है कि जो चीज़ नहीं की जाती है उसको शासन में डाल दिया जाता है। अगर आपकी नियमावली नहीं है, आपका कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आप मॉडर्न नियमावली का इस्तेमाल करके उसको लागू कर सकते हैं, यह प्राविधान है।
लेकिन यहाँ हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। सौतेला व्यवहार करने के पीछे ये वजह तो नहीं है कि आप 2011 की आपकी नियुक्ति है, और ये ना सपा सरकार ने नियुक्ति की है ना बीजेपी ने की है, ये बसपा सरकार ने की, और इसीलिए सौतेला व्यवहार हो रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, वह सौतेला व्यवहार उन पार्टियों का पार्टी तक रखें तो बेहतर है। हम कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, शासन सत्ता जिसकी आएगी हम उसके कर्मचारी हैं। यहाँ हमारे उनके पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। आप किसके सरकार में बना, क्यों बना, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आप पर्यटन के नाम पर पूरे लखनऊ में इतनी बड़ी व्यवस्था दिया, नोएडा में दिया, जिससे एक आर्थिक आय की बढ़ोतरी होती है प्रदेश को, यह विभाग कमा के दे रहा और अनुदानित संस्था है, लेकिन फिर भी आप अगर सौतेला व्यवहार उस वजह से कर रहे हैं तो माननीय महोदय जी, यह कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कर्मचारियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि यहाँ का जो प्रशासन और जो वित्त विभाग है वो उनकी लापरवाही भी ज्यादा है। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारे मांग पत्र में भी है कि आप इन दोनों पदों पर इस विभाग के अधिकारी को मत रखिए, आप दूसरे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भेज दीजिए ना, वो प्राविधान तो है हमारी समिति की नियमावली में, आप वहाँ नहीं भेज रहे हैं। और जो प्राविधान नहीं है कि इन कर्मचारियों को कहीं नहीं लगाया जा सकता, नियमावली हमारी कहती है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को जैसे वो रोड पर आप लैया छीन दीजिए, उसी प्रकार से हमारे कर्मचारियों को इधर से उधर छीन दिया जाता, हर विभागों में भेज के काम लिया जा रहा है, हर घरों में काम लिया जा रहा है। तो आप अतिरिक्त काम ले रहे हैं तो उसका दाम दीजिए ना, बिल्कुल काम ले रहे हैं, और कह रहे कि नियम नहीं है, नियम नहीं है, काम ले रहे तो दाम, आपका काम, आपकी सारी फाइलें शासन में है, तो शासन में क्या हमारा कर्मचारी सारे जाएंगे शासन में करवाने के लिए? अगर आप अलाउ करते हो तो एक दिन मुख्यमंत्री जी से आदेश करवा दीजिए कि हम सारे सारे कर्मचारी वहीं आ जाएंगे। तो अंततः आपका मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि आपकी जो दिक्कतें हैं और जो आर्थिक तंगी से आप लोग गुजर रहे हैं, और कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारी नहीं है, नहीं मतलब कि तंगी को हम नहीं बोलेंगे, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। ग्रेड पे पर हमारी भर्ती हुई है, 1300-1400 ग्रेड पे पूरी, राज्य कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। अगर आप हमें 1300-1400 ग्रेड पे दे रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी विभाग में नहीं है। आज मैं प्रदेश महामंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ का 15-16 में, इसलिए मुझे हर विभागों का पता है कि कहां ग्रेड पे क्या था। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इस विभाग को राज्यपाल ने स्वीकृति दिया, बजट दिया, सब कुछ दिया, और सातवें वेतन पर, छठवें पुनरीक्षित वेतन पर कार्य फाइल भी चली, लेकिन वो क्यों नहीं हुई? योगी जी का बयान भी था कि हमने आपको सातवां वेतन दे दिया है कर्मचारी, अभी हमारे पास न्यूज़पेपर में पास हो गया है, कई विभागों में, कई विभागों में मिला, अभी बहुत से विभाग में सातवां वेतन नहीं दिया गया। स्मारक समिति को दे दिया, कहां दे दिया उन्होंने? अखबार में, अखबार देखा है। भाई ये तो आप लोगों की मर्जी है, आप कुछ भी छाप दीजिए, हम कहां भूखे हैं, हम तो सुबह से भी आज खाना ही नहीं खाया, आज बैठे हुए कर्मचारियों के बीच में, लेकिन आप बताइए कि हम खाना खाए हुए हैं, क्योंकि जब हमारे चेहरे पर शिकन नहीं आ रही है तो आप यही अंदाजा लगा रहे हैं खा पी के बैठे हुए। भाषण में झूठ बोल रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, लेकिन वो उनका विभाग है, उनका दायित्व तो बनता है ना। वह क्यों नहीं हमारे प्रमुख सचिव महोदय जी LDA BC को, प्रबंधक को और कर्मचारी यूनियन के लोगों को या कर्मचारियों को, 5-10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल को क्यों नहीं बुला के वार्ता कर लेते हैं? तो आपसे बातचीत भी नहीं हो रही है। मैं जब पहली बार सरकार बने उस समय में इनसे मिलने का समय मांगा था, तो हमारा प्रतिनिधि मंडल इनसे मिला, और मिलने के बाद उन्होंने पूछा कौन सा विभाग, जब हमने कहा स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पनों, वनों, अनुरक्षण आदि समिति, ये कौन सा विभाग होता? मैंने कहा माननीय जी, आप शांति उपवन में जाकर शपथ ग्रहण किए थे, वह वही विभाग के लोग हैं, वही विभाग का पार्क पार्ट था वो। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने मार्क किया, लेकिन उनके अधीनस्थ लोगों ने हमारी फाइल को कहां चलाया, कैसे चलाया, किसी को आज तक कानो कान पता नहीं। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से यूपी के मुख्यमंत्री को? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सूबे के हमारे मालिक हैं और इन कर्मचारियों का आका है, जिनके बदौलत यह विभाग चल रहा है, आए हुए पर्यटकों का स्वागत करते हैं,
उनको घूमने की सारी व्यवस्था स्वच्छ और चांद तरीके से देते हैं, जिससे आपके प्रदेश की और लखनऊ की छवि उज्ज्वल होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इन निरीह कर्मचारियों की बात को जरूर सुने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है स्मारक समिति के जीके शर्मा जी, जो कि प्रदेश महामंत्री है और तमाम कर्मचारियों का फिलहाल नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी तादाद जो है हजारों में है, और ये तमाम लोग आज जो है अपने समस्याओं को लेकर, अपने सैलरी की समस्या, अपने पेंशन की समस्या, अपने स्वास्थ्य की समस्या और मृतक अवकाश की तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये कर्मचारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इन तमाम लोगों की जो मांगे हैं वो तमाम मांगों को ये चाहते हैं कि इनकी जल्द से जल्द पूरी हो जाए। महिलाएँ कर्मचारी हैं और पुरुष कर्मचारी, और 2011 की इनकी नियुक्ति है, तब से इनका इनके सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, CPF की दिक्कत चल रही है, और इसके साथ साथ इनके लिए जो इंश्योरेंस खोला गया था उस इंश्योरेंस का भी कुछ अता पता नहीं है। ओवरऑल कहने की बात ये है, कर्मचारियों का ये कहना है कि उनके लिए जो बजट आता है सारा का सारा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या इनकी समस्या जो है वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मानते भी है या नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा काम है इनकी समस्या को आप तक पहुँचाना, आपको बताना आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।